इजरायली सेना के लिए गाजा एक मौत का जाल बन चुका है, जिसमें जो भी आईडीएफ की बटालियन या ब्रिगेड जाती है वो वहीं उलझ कर रह जाती है। वो इसलिए क्योंकि गाजा की हर गली और कूचा खंडहर में तब्दील हो चुका है और इन खंडहरों में हमास के लड़ाके आईडीएफ पर घात लगाकर बैठे हैं। और जैसे ही इजरायली सेना हमास के रडार पर आती है, वैसे ही उन पर इतने भयानक हमले होते हैं जिनके बारे में आईडीएफ को अंदाजा तक नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाजा के उन इलाकों की जहां पर हमास ने फिर से अपनी पकड़ मजबूत की है, और वो इलाके हैं जबालिया और रफा। इन दोनों ही इलाकों में आईडीएफ और हमास के बीच भीषण जंग चल रही है। इजरायली सेना के मुताबिक नवंबर 2024 की शुरुआत से अभी तक गाजा में आईडीएफ के 24 जवानों की मौत हो चुकी है और इनमें से 5 जवान सिर्फ जबालिया कैंप में मारे गए हैं। दरअसल इजरायली सेना लगातार उत्तरी गाजा में भीतर घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमास के लड़ाके आईडीएफ और उसके सैन्य वाहनों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। और अब इसी कड़ी में हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने आईडीएफ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला किया है। जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में अल कासिम के 3 लड़ाके असलहों से लैस नजर आ रहे हैं। इनमें से एक लड़ाका ये कह रहा है कि हम तुम्हें जबालिया का नर्क दिखाएंगे। इसके बाद ये तीनों ही लड़ाके एक खंडहर पड़ी इमारत के भीतर जाकर वहां से आईडीएफ के एक टैंक पर घात लगाते हैं, और जैसे ही टैंक रडार पर आता है उसके ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया जाता है, जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। और इस हमले के बाद हमास का एक दूसरा लड़ाका सामने गली में नजर आ रहे एक और टैंक पर रॉकेट से फायर कर देता है, और इसके बाद तीसरा लड़ाका छत पर चढ़कर एक टैंक पर तुरंत रॉकेट दाग देता है, जिसमें एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। आपको बता दें कि अल कासिम ने यह हमला उत्तरी गाजा की अल यसीन मस्जिद के ताल अल जातर इलाके में किया है, और इस हमले से पहले अल कासिम ब्रिगेड ने अल कासिम इलाके में एक बिल्डिंग के भीतर विस्फोट बिछा दिया था, और जैसे ही इसराइल के 10 सैनिक इसमें घुसे, इस बिल्डिंग में ब्लास्ट हो गया। आपको बता दें कि इस हमले के बाद अल कासिम ब्रिगेड ने नटजरिम एक्सिस में भी आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया। अल कासिम ब्रिगेड्स ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दिख रहा है कि हमास के लड़ाके पहले तो मोर्टार गोले और 107 रॉकेट्स को हरियाली के बीचों बीच छिपाकर कुछ बोरियों पर तैनात करते हैं, और इसके बाद एक लड़ाका रिमोट कंट्रोल के जरिए इन रॉकेट्स को आईडीएफ की तरफ ताबड़तोड़ तरीके से फायर कर देता है। इसी वीडियो में एक लड़ाका एक घर के भीतर छिपकर एक बड़े से लॉन्चर में लगातार रॉकेट भरकर उन्हें फायर कर रहा है। आपको बता दें कि इन हमलों के बीच अल कासिम ब्रिगेड्स ने जबालिया कैंप में आईडीएफ के एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन को भी जब्त किया है। अल कासिम का दावा है कि यह ड्रोन इलाके में जासूसी कर रहा था। इसके अलावा अल कासिम ब्रिगेड्स का यह भी कहना है कि उसने एक स्नाइपर ऑपरेशन में एक इजरायली सैनिक को ढेर कर दिया है। इसके अलावा आईडीएफ की एक पैदल यूनिट पर उसने 2 एंटी पर्सनल गोले दागे हैं, जिसमें आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। आईडीएफ के मुताबिक अल कासिम में एक और बिल्डिंग में आईडीएफ के जवान छिपे हुए थे, और इस बिल्डिंग पर भी अल कासिम के लड़ाकों ने एक एंटी पर्सनल गोला फायर किया। वहीं बेहत लहिया में तो एक घर के ऊपर टीबीजी एंटी
फोर्टिफिकेशन गोला दागा गया जो सीधे उस बिल्डिंग में लगा जिसमें आईडीएफ के 7 सैनिक छिपे हुए थे, और इसके तुरंत बाद अल कासिम के लड़ाकों ने उनके ऊपर मशीन गन से दनादन फायरिंग कर दी।